अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है और वो खबर ये है कि यूएई गवर्नमेंट ने पूरे यूएई से यानी यूएई की तमाम रियासतों से लॉकडाउन और तमाम पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी हैं और पूरे यूएई में बिजनेसेस खोल दिए हैं और अब यूएई में मौजूद तमाम अफराद बग़ैर किसी रोक टोक के 24 घंटे में जब चाहें जहाँ चाहें घूम फिर सकेंगे। दोस्तों, तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बरवक्त मिलते रहें। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर सैफ अल दहरी, जो कि यूएई के इदारे नेशनल एमरजेंसी क्राइसिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से 24 जून को मुख्तलिफ ट्वीट किए गए थे जिनमें उन्होंने ये कहा था कि आज हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमने नेशनल स्टीरिलाइजेशन प्रोग्राम आज 24 जून को मुकम्मल कर लिया है और अब यूएई में मौजूद तमाम अफराद आज़ादी के साथ दिन भर बग़ैर किसी रोक टोक के और बग़ैर किसी पाबंदी के घूम फिर सकेंगे। पूरे यूएई में तमाम फैसिलिटीज़ में नेशनल स्टीरिलाइजेशन का अमल मुकम्मल हो गया है, लेकिन स्टीरिलाइजेशन का ये अमल पब्लिक और प्राइवेट फैसिलिटीज़ में हेल्थ और सेफ्टी के पेश नज़र जारी रहेगा। यूएई बर्क के ट्वीट के मुताबिक नेशनल एमरजेंसी क्राइसिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी के NCEMA ने यह ऐलान भी किया है कि पूरे यूएई में लॉकडाउन ख़त्म करने के साथ साथ तमाम पाबंदियां भी ख़त्म की जा रही हैं और दुबई में तमाम कमर्शियल इदारों और शॉपिंग मॉल्स को इजाज़त दे दी गई है कि अब वो अपने रेगुलर वर्किंग आवर्स को जारी रख सकते हैं, लेकिन हिफाजती इकदामात और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी होगा। यूएई NCEMA के सरकारी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सैफ अद्दहरी का मजीद कहना था कि यूएई के अंदर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हिदायत दी जाएंगी, जो कोई शख्स भी उन हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे पेनल्टी दी जाएगी और जुर्माना किया जाएगा। डॉक्टर सैफ अल-दहरी का मजीद कहना था कि यूएई की तमाम रियासतों में 12 साल से कम उम्र बच्चे अब शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स में जा सकेंगे, उन पर भी पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। यूएई बर्क के मुताबिक शेख शखबूत मेडिकल सिटी और फील्ड हॉस्पिटल एडनिक बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और अब वहाँ कोरोना का कोई भी मरीज मौजूद नहीं है। अबूजबी में भी स्टीरिलाइजेशन का अमल मुकम्मल कर दिया गया है और अबूजबी के अंदर भी लोग आज़ादी से घूम फिर सकेंगे, उन्हें किसी परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन दूसरी रियासतों या बाहर से अबूजबी में एंट्री फ़िलहाल बैन ही रहेगी, यानी लोग दूसरी रियासतों या बाहर से अबूजबी के अंदर नहीं जा सकेंगे। यूएई बर्क के मुताबिक शारजा म्यूनसिपलिटी ने यह ऐलान किया है कि जेंट्स और लेडीज़ सैलून अपनी सर्विसेज जारी रखेंगे जिनमें दाढ़ी की शेव और दूसरी सर्विसेज शामिल हैं, लेकिन स्पा, मसाज सेंटर्स, मोरक्को और ओरिएंटल बाथ सर्विसेज बंद ही रहेंगी। इसके अलावा शारजा गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि शारजा में रोकथाम और हिफाजती इकदाम के पेश नज़र शादी हॉल्स, इवेंट हॉल्स, होटल्स, गवर्नमेंट और कम्युनिटी फैसिलिटीज़ में सोशल एक्टिविटीज़ अभी फ़िलहाल बंद ही रहेंगी। यूएई के हेल्थ सेंटर के बारे में यूएई NCEMA की तरफ से ये कहा गया कि यूएई के हेल्थ सेंटर की तरफ से ये ऐलान किया गया कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का अमल टेस्टिंग के तीसरे मरहले में पहुँच चुका है, जिसमें वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। अगर इस ट्रायल के दौरान वैक्सीन की सेफ्टी और अफादियत साबित हो जाती है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और उसके बाद फिर वैक्सीन तैयार की जा सकेगी। जबकि यूएई बर्क ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी, जो कि यूएई की हेल्थ सेक्टर की स्पोक्स पर्सन हैं, वो वैक्सीन की इस तैयारी के तमाम प्रोसेस को लीड कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि यूएई 2020 के आखिर में या 2021 के शुरू में कोरोना की वैक्सीन मार्केट में मुतारिफ करवा देगा ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये थी यूएई के बारे में अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स। इस सिलसिले में जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी नई आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।